ये अंधी लड़की नहा रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोई आदमी उसे देख रहा है। उसने चाकू से लड़की की ओर तौलिया खिसका दिया। अंधी लड़की को लगा कि वो उसका पति है, लेकिन आदमी पीछे हट गया। सारा रसोई में गई तो उसने अपने पति का शव नहीं पाया, जिसका अभी अभी मर्डर हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद वो खून से फिसल कर नीचे गिर गई। उसने हाथ से टटोला तो वो उसका पति था। वो जोर जोर से रोने लगी और अपने पति को पुकारने लगी, लेकिन फिर वो डर गई और वहां से जोर से भागी, पर वो उस आदमी से टकरा गई। उसने उसे पीछे की ओर धकेल दिया। सारा ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, पर दूसरा पक्ष कुछ नहीं बोलता है। वो बस उसे डराने के लिए इधर उधर चीजें फेंकता है। फिर अंत में उसने किताब को उठाकर जोर से नीचे फेंक दी। सारा बहुत ज्यादा डर गई और वहाँ से अपने बेडरूम की तरफ भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसने मदद मांगने के लिए वॉइस चैट का उपयोग किया कि पुलिस को बुलाओ, लेकिन तभी आदमी शीशा तोड़कर अंदर आ गया और उसे नीचे गिरा दिया। फिर उसकी गर्दन पर एक चाकू रख दिया। फिर कुछ देर बाद वो बिस्तर से बंधी हुई थी और वो आदमी उसके घर में कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन फिर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिला तो वापस वो उसके पास आ गया। पार्ट 2 के लिए लाइक और कॉमेंट करें।